ऐ दिल लाया है बहार, खुशी का खुमार क्या कहना। जी हाँ, आज अक्षरा की लाडली घर आई है और जब इतने दिनों के बाद आई है तो भाई वेलकम भी तो धूम से ही होगा ना। जरा देखिए तो सही, कैसे पूरा परिवार बिटिया नायरा के वापस आने से खुशी के खुमार में डूबा हुआ है और नाच गा कर उनका वेलकम कर रहा है। Absolutely, because I am the only sister and I'm older to her, थोड़ी सी, तो she's my little baby, I love her a lot. And 5 साल बाद आई है तो मुझे ही नहीं, घर में जितने भी लोग हैं सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। भाई क्या बात है, इतना वार्म वेलकम, नायरा ने तो इसके बारे में शायद ही कभी सोचा होगा। लेकिन ये क्या, जहाँ एक और पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर नायरा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगा था कि चीजें ऐसी भी हो सकती हैं। अभी जब मैं यहाँ से भागी थी, मैं मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन था जब मैं घर छोड़कर गई थी, पुलिस का पंगा था, तो मुझे तो लग रहा था कि अब यू नो कोई मुझसे प्यार नहीं करता होगा और कोई किसी को मेरी याद, किसी ने मुझे मिस नहीं किया होगा। मैंने पापा और भाई को बहुत मिस किया है, तो ये सेलिब्रेशन देख के आई एम अ लिटिल शॉक्ड। वैसे ये तो बात हुई अक्षरा के बिटिया रानी की, लेकिन अगर बात करें एक्ट्रेस कांची सिंह की, तो लगता है इस शो को साइन करने के बाद वो कुछ ज्यादा ही खुश है। तभी तो देखिए ना कैसे अपनी इस खुशी को हमारे साथ शेयर कर रही है। बहुत ज्यादा डांस किया, आई मीन 1 साल बाद आई हैव डन अ कमबैक ऑन टीवी विथ ये रिश्ता क्या कहलाता है, सच अ गुड प्रोडक्शन, सच अ गुड शो एंड विद सच अ गुड रोल गायू कैरेक्टर इज, सो आई एम रियली ग्लैड एंड आते से ये सब शुरू हो गया। आई मीन व्हेन आई वाज डूइंग माय शो और प्यार हो गया, वहाँ पे इतना नहीं होता था, बट यहाँ पे तो मतलब आए हुए मुझे 10 दिन में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, पूजा हो गई, अब ये भी हो गया, सो इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली देयर समथिंग अदर गोइंग ऑन, तो बहुत टायरिंग है बट इट्स सुपर फन, लाइक सब रहते हैं यहाँ पे। वेल, शो में और घर में तो इनकी एंट्री हो गई, अब देखना ये है कि क्या जिस अक्षरा ने अपनी बेटी नायरा को इतने प्यार से घर लाया है, वो इस घर में कितने दिन तक टिकेगी या फिर से इन्हें चकमा देकर भाग जाएगी। ये सब जानने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ।